Hey YouTube family, welcome back to your channel, welcome back to another video. Today we have a Hyundai Verna Fluidic, as you can see behind me, this is a diesel variant. गाड़ी में सस्पेंशन का काम है, इसका ऑयल भी लीक हो रहा है, तो एक बार आपको गाड़ी दिखाता हूँ फिर काम शुरू करता हूँ. सो हियर इज द कार गाइज, Hyundai Verna Fluidic, दिस डीजल वेरियंट एंड गाड़ी चली है अराउंड 90,000 किलोमीटर्स. तो मैं आपको एक बार रीडिंग भी दिखा देता हूँ. चाबी कहाँ गई इसकी, चाबी 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 ये देखो. तो गाड़ी चली है 90,000, सस्पेंशन का काम होना है, ठीक है. इसकी टैपेट कवर की पैकिंग लीक हो रही है, वहाँ से इंजन ऑयल निकल रहा है, वो है. स्टीयरिंग रैक में बहुत आवाज़ है, वो रिपेयर होगा. ब्रेक्स वगैरह चेक करनी है, फ्रंट बम्पर सेट करना है, यहाँ से फॉग लैंप वगैरह, बेसिकली पूरा ये देखो ये हिल रहा है, ये देखो. तो ट्राई करते हैं ये सेट हो पाए तो. बाकी अभी मैं फ़िलहाल कैमरा लगा रहा हूँ, सब कुछ खोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टाइम लैप्स, मतलब ट्राई करूँगा जितना बन पाया. ओके गाइस, सो एज यू कैन सी सस्पेंशन पूरा खोल दिया है और आर्म की हालत देखो, बुशेस खुद ही निकल के बाहर भाग रहे हैं इसमें से. मतलब बुशेस ऐसे होते हैं कि एक बार इसमें अगर लगे, अगर हम सिर्फ बुशेस भी रिप्लेस करते हैं तो बाहर निकलते नहीं हैं. और ये बिना उसके ही देखो बड़े मज़े से अंदर डल रहे हैं और ये देखो ये बाहर आ गया. तो आर्म इतनी ज़्यादा लूज़ हो गई हैं, प्लस इसकी जो एक गोली होती है ये भी ख़राब है. स्टेयरिंग रैक खोल दिया, वो रिपेयर पे जाएगा. लिंक रॉड ख़राब है और ये इसके स्टेयरिंग के एंड हैं, इसका भी देखो ये बूट पूरा फटा हुआ है, ये भी चेंज करने पड़ेंगे. तो सामान मंगाते हैं, सामान होपफुली वैसे कल ही आएगा क्योंकि स्टेयरिंग रैक भी रिपेयर पे देना है. तो सामान मंगाते हैं एंड डिस्क भी इसकी टर्न होनी है, प्लस इसके अब शॉकर भी खुलवाते हैं, शॉकर भी चेक करने हैं. शॉकर माउंटर इसमें डलने ही हैं, शॉकर भी एक बार चेक करते हैं, अगर वो ख़राब हैं तो वो भी डलेंगे, अगर सही हैं तो उन्हें ही वापस लगाएंगे. तो गाइस वरना के शॉकर खोल दिए हैं, कॉइल भी उतार दिया उसका, कॉइल स्प्रिंग एज यू कैन सी, एंड रिज़ल्ट ये आपके सामने है. शॉकर दबा का दबा है, ऊपर नहीं आ रहा. तो इसके शॉकर भी चेंज होंगे, लिंक रॉड आम हो गई, शॉकर माउंट, प्लस भैया ने बोला सर्विस भी करनी है. The next morning. Okay people, so this is the next day and वरना का सारा सामान आ गया है. इसकी डिस्क फेस होके आ गई है, स्टेयरिंग रैक रिपेयर होके आ गया है, शॉकर आ गए हैं, सर्विस का सामान, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और इसके कंट्रोल आर्म्स आ गए हैं, लिंक रॉड, स्टेयरिंग एंड, शॉकर माउंट ये पड़े, जंपिंग रॉड के बुश और ये सारा सामान है. वुड से अराउंड 90% सामान इसका सारा जेन्युइन Hyundai है. आपको सब पे स्टिकर्स दिख रहे होंगे Hyundai के, शॉकर जेन्युइन है, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, लिंक रॉड सब जेन्युइन है, शॉकर माउंट. सिर्फ इसके स्टेयरिंग एंड जो है आई थिंक वो आफ्टर मार्केट है, उसको छोड़ के बाकी सब जेन्युइन Hyundai है. तो सामान आ गया है, लगाना शुरू करते हैं. उसके बाद इसका जो ऑयल लीक हो रहा है, डीजल लीक हो रहा है, वो भी चेक करना है एंड बम्पर की सेटिंग रह जाएगी. तो कैमरा माउंट करते हैं, ये सारा सामान फिट करना शुरू करते हैं. Yeah.
ओके गाइस, शॉकर माउंट हो गए हैं दोनों तरफ के एंड सब फ्रेम में स्टेयरिंग रैक लगा दिया है जो रिपेयर होके आया है। जंपिंग रॉड के बुश, नई आर्म लगा दी हैं, नई लिंक रॉड लगा दी हैं। स्टेयरिंग एंड बच रहे हैं, वो सब फ्रेम ऊपर चढ़ाने के बाद बाद में बाहर से स्टेयरिंग एंड लगाएंगे। ओके गाइस, तो सस्पेंशन का काम हो गया है डन एंड नीचे से मॉन्टी ने इंजन ऑयल ड्रेन कर दिया है, ये देखो। तो अब सर्विस का काम शुरू हो गया है, यह आ गया ऑयल फिल्टर बाहर, तो सर्विस करते हैं। कैमरा लगाया हुआ है तो इसका छोटा टाइम लैप शुरू करते हैं, प्लस इसमें जो लीकेज हो रही है, ऑयल लीकेज है, डीजल लीकेज है, वो भी चेक करना है। बिकॉज अगर आप यहाँ देखोगे, ये देखो, ये अंदर डीजल पड़ा हुआ है या ऑयल, वो भी चेक करना है, उसे भी सही करना है। इस बोल्ट को देखो, इसमें जुगाड़ कर रखा कुछ। हाँ, ये वाला बोल्ट देखो, ये सारे सेम हैं और ये वाला थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, कुछ जुगाड़ हुआ हुआ है उसमें, तो चेक करते हैं। सर्विस के बाद इसका बस बम्पर सेटिंग और फॉग लैम्प सेटिंग रह जाएगी। एनीवेज, इसका थोड़ा छोटा सा टाइम लग जाए, वो शुरू करते हैं। तो गाइस, गाड़ी का सस्पेंशन का काम हो गया है, सर्विस हो गई है, अब इसका बम्पर खुल रहा है, वही बेसिकली जो बम्पर सेट करना था, प्लस इसकी दोनों फेंडर लाइनिंग भी लगनी है। तो फेंडर लाइनिंग लगाते हैं, बम्पर खोलते हैं, तो फिलहाल इसका टाइम लैप शुरू करते हैं जो बम्पर खुल रहा है। कैमरा मैंने यहाँ लगाया हुआ है। तो गाइस, ये है पुरानी फेंडर लाइनिंग जो यहाँ से देखो पूरी कटी फटी पड़ी है, नीचे से इसका ये भी टूटा हुआ है, ठीक है। और नई वाली ये लग रही है, अगेन जेन्युइन हुंडई है। ये देखो, ये आगे का पार्ट जो है ये इस वाली में गायब है, तो ये लग रही है इसमें। उधर मॉन्टी हॉर्न सही कर रहा है गाड़ी के। सो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड इसका जो गियर स्विच है, बेसिकली जो अंदर गियर डिस्प्ले करता है कौन सी गियर लगी हुई है, वो टूटा हुआ निकला है, ये देखो। तो ये पता कर रहे हैं कितने का है, अवेलेबल है या नहीं, तो एक बार ये हो जाए। उसके बाद इसका एक चार्जिंग का अंदर का सॉकेट देखना है, लाइटर वाला, वो नहीं चल रहा है, आई टोल्ड यू। और अलाइनमेंट और एक इसका हीटर, ये काम रह रहे हैं, तो एक बार ये हो जाए फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस, वरना की हीटर वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, चार्जिंग वाली भी हो गई है, वॉशिंग हो चुकी है गाड़ी की, अब अंदर से क्लीनिंग चल रही है। एज यू कैन सी, विनोद भी अंदर वैक्यूम मार रहे हैं, तो थोड़ी देर में कार विल बी रेडी फॉर द डिलीवरी। तो आपको एक सेकंड में बताता हूँ कि इसका टोटल कितना बिल बना। प्लस आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये जो गाड़ी है ये भी एक सब्सक्राइबर है भैया उनकी है, तो स्पेशली रिवाड़ी से आई है फॉर ऑल दिस वर्क। और गाड़ी में इतना काम हुआ है कि जब हमने बिल बनाया ना, तो कॉलम सारे जितने बिल में कॉलम है ना, सब भर गए। तो आपको एक सेकंड बताता हूँ कि टोटल कितना खर्चा है। सो गाइस, फाइनली वरना जा चुकी है, उसका जो टोटल बिल बना वो है अराउंड 30,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो इसमें सारा काम हुआ है। रिसाइड इसमें छोटे छोटे इतने सारे काम हुए ना, हेडलाइट का बल्ब डला, फ्यूजेस डले, इलेक्ट्रिकल इश्यूज थे वो सही करे, बम्पर की पूरी सेटिंग हुई, सर्विस हुई है पूरी गाड़ी की, सस्पेंशन ऑलमोस्ट सारा ही हुआ, कोई एक दो पार्ट हैं जो नहीं डले, बाकी सब कुछ ही डला है। और
और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम थे, जैसे वो हीटर वाला काम कि हीटर की हवा सही से नहीं आ रही थी, चार्जिंग पोर्ट नहीं चल रहा था। सो या मतलब इतने काम थे कि बिल के सारे कॉलम भर गए। सो दैट्स द टोटल बिल, 30,000 rupees इंक्लूडिंग लेबर पार्ट्स एवरीथिंग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, पीस आउट।